ओके, नाउ कम टू द पीएच वैल्यू. आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पीएच, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम की जो स्टार्टिंग होती है वो पीएच से ही हुआ करती है. मतलब अगर हमें पीएच क्लियर नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं मान के चल सकते हैं. मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले हमें पीएच निकालना ज़रूरी है, और पीएच जब हम निकाल करके लाएंगे उसी के बाद हम और सारी जगह पर उस पीएच को अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, सबसे पहली बात ये आती है, ये फिजिकल नाउ इजी से मैं ले रहा हूँ इस बात को, कि आखिरकार हम पीएच कहते किसे हैं. मतलब हमारे पास में जब भी बात आएगी कि आखिरकार पीएच किसे कहेंगे, ठीक है, पीएच कहाँ पर यूज होगा, ये आपका सिक्स टॉपिक है हमारे पास में. सिक्स टॉपिक के अंदर हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि पीएच होता क्या है, किसे बोलते हैं पीएच, और किस तरह से हम इसको यूज़ करा करते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका एप्लीकेशन करेंगे, सारी चीज़ों को लेकर के. कुछ ऐसी बातें पीएच की हमारे पास में रहेंगी जो हमें ये लगेंगी कि हाँ ये चीज़ हमारी पीएच के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो पहली बात तो हमारे पास में आती है कि हम पीएच कैसे कैसे हैं. तो हमने किसी भी चीज़ को, जैसे हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. मतलब एक इसका नाम दे दिया गया. तो इसीलिए ऐसे हमारे पास में क्या हुआ कि जब हमारे पास में एसिड होते थे, हमारे पास बेस होते थे, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या बेस की OH- माइनस कंसंट्रेशन हमारे पास में आ जाया करती थी. तो ये सारी कंसंट्रेशन को लिखने के लिए 10^-4 है, इंटू 10^3 है, या समथिंग ऐसे करके 3.269 समथिंग करके लिखा. इन सब चीज़ों को बचाने के लिए एक, अगर मेरे पास बॉटल है या मेरे पास में कोई भी एक सैंपल है, उसके ऊपर एक चीज़ लिख दी जाती है कि इसकी पीएच इतनी है. इसकी कुछ रेंजेस बता दी जाती है कि जैसे यहाँ तो मुझे पता नहीं चल पा रहा कि एसिड बेसिक क्या क्या, मतलब किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एसिड पन इसके अंदर ज़्यादा है या बेसिक पन ज़्यादा. लेकिन हमारे पास में जो ये पीएच रिप्रेजेंटेशन हुई, इस रिप्रेजेंटेशन से हमने एक चीज़ को निकाल करके दे दिया. वो क्या निकाल करके दे दिया कि हमारे पास में हमने एक पीएच की एक वैल्यू डिफाइन कर दी, एक रेंज डिफाइन कर दी कि इससे ऊपर तो एसिडिक होंगे, इससे नीचे बेसिक होंगे, या इससे ऊपर ये न्यूट्रल होंगे. तो इस तरह से क्या हुआ कि जो बड़ी कंसंट्रेशन की वैल्यू थी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, उसको हमने आसान कर दिया, ईजी कर दिया. तो इसके ऊपर हमारे पास में क्या आज का आर्टिकल स्टार्ट होता है. 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जेई मेंस और आपके जेई एडवांस या नीट, इनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपके एग्जाम आने वाले हैं आने वाले समय में. इस बुक के अंदर ये सारी चीज़ दी है, 100% मैचिंग आपका हमारा लेक्चर चल रहा है. आपके पास ये बुक है और मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ पीएच वैल्यू, ठीक है. तो इसको लिखने के लिए हमारे पास में बात क्या होती है, पीएच इज इक्वल टू होता है -log 10 एच प्लस कंसंट्रेशन. ये जो एच प्लस की कंसंट्रेशन इस जगह पर है, ये हमारे पास में कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर. इस समय जो बॉक्स है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास भी बोला करते हैं, या इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं मोल पर लीटर में. इस मोल को हम दिखाया करते हैं किससे, एन से, और वॉल्यूम को हम दिखाया करते हैं वी से. तो ये हमारे पास में हो गया मोल पर लीटर. इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखे रहेंगे. इसी तरह से हमसे अगर कोई कहने लगा कि पी एच की जगह पी ओ एच नाम का शब्द आया, तो जहाँ पर एच है वहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे ओ एच माइनस. ये पी ओ एच हुआ, ये पी एच हुआ, ये पी ओ एच हो गया. बस इतनी सी बात को हम आगे की ओर रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे. यहाँ पर हम इस वैल्यू को रखेंगे, इससे एक पी एच की वैल्यू निकल करके आएगी, सारी बातें होती चली जाएंगी. फिर हम इसके बाद देखेंगे कितनी पी एच पे क्या चीज़ हुआ करती है, एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा, न्यूट्रल कब होगा. लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि ये आखिरकार पीएच का डेवलपमेंट होता कहाँ से है. इस पीएच का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे पास में हुआ करता है इससे, H2O जब ब्रेक होगा तो हमारे पास में क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस मिलेगा जब इक्विलिब्राइज होगा. इसके लिए अगर मैं K की बात करूँ, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की अगर मैं बात करूँ, तो मेरे पास में ये होगा अपॉन H2O. हमारे पास में जो एक कंसंट्रेशन है, इसको हमने कैलकुलेट करा, मोल्स नाम के टॉपिक में कैलकुलेट किया था, और ये वैल्यू आई थी 55.5. कितनी आई थी, H2O की कंसंट्रेशन 55.5 आई थी. इस 55.5 का मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होंगे, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक नए कांस्टेंट को पैदा करते हैं. चूंकि ये वाटर का कांस्टेंट है, इसको हम क्या लिखते हैं, KW. KW इज इक्वल टू क्या होने जा रहा है, ये H प्लस OH माइनस. यहाँ हम अगर इसकी बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट. इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन, क्योंकि ये डिसोसिएशन में नजर आ रहा है, डिसोसिएट होते हो, तो इसके लिए हम उसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट. यहाँ पर हमारे पास में ये H प्लस और OH माइनस बेसिकली क्या आयंस हैं, किसके आयंस हैं, ये वाटर से पैदा होने वाले आयंस हैं. इसमें भी हम इसको H प्लस नहीं दिखाया करते, क्योंकि H प्लस अपने आप में क्या होता है, प्रोटोन, इंडिविजुअली दिखाई नहीं देता है,
ये इंडिविजुअल दिखाई नहीं देता है, ये जाकर के वाटर के मॉलिक्यूल से, ये वाटर के मॉलिक्यूल से जो उसका ऑक्सीजन है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और ये चीज़ हम अपनी स्टाइल में इस तरह से दिखाते हैं, H3O+ और यहाँ क्या है OH-, ये मेरे पास में होगा। H2O से मुझे क्या मिलेगा, H3O+, OH-, इस तरह से हम इसको दिखाया करते हैं। तो यहाँ कभी कभी H+ की जगह हाइड्रोनियम आयन H3O+ को भी दिखा दिया करते हैं। ये मेरे पास में जो KW दिया है, ये अभी अभी मैंने बताया था, ये हमारे पास में क्या है, ये डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है, और ये हमारा क्या वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है, आयन्स का प्रोडक्ट है। इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स होती है, और वो होती है 10^-14। तो ये H+ और OH- की मल्टीप्लीकेशन हमेशा इतनी बनी रहेगी, कितनी बनी रहेगी, H+ × OH- = 10^-14। अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, अगर मैं इनके केसेस की बात करने लगूँ और मैं कहूँ वाटर, तो वाटर के अंदर क्या होगा, वाटर के अंदर H+ = हमेशा क्या होगा OH-, इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, ये इसके बराबर होगा, इसका मतलब दोनों को हटा करके एक ही रख दें, तो KW = क्या होने जा रहा है, H+ × H+, मतलब H+ का स्क्वायर, या फिर H+ = √KW, मतलब 10^-14 का रूट = 10^-7। H+ की वैल्यू कितनी होने जा रही है, 10^-7, ये वैल्यू हमारे होने जा रही है। मींस अगर मेरे पास में वाटर होगा, वाटर मतलब न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा तो 10^-7 होगा, इतना ही H+ होगा, इतना ही OH होगा, लेकिन ये 10^-7 की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे है, इन जनरल ये वैल्यू क्या होगी, √KW, √KW होगी। अब इस बात पे डिपेंड करेगा KW क्या है, 25 डिग्री जैसी बढ़ेगा KW भी बढ़ जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती है, 35 होने पर 10^-14 नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा, 35 होने पर बढ़ा, 45 होने पर बढ़ा, 15 होने पर घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। यहां पर हमारे पास में ये जो वैल्यू होती है H+ की, वो 10^-7 हुआ करती है, 10^-7 हुआ करती है। मेरे पास में ये हमारे पास में जो वैल्यू थी, ये यहां पर मान लीजिए A × 1 - α हो जाए, और ये मेरे पास में यहां पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी, A α, ए मतलब कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, शुरू में ए 0, 0 थे, ये ए की वैल्यू कितनी थी, 55.5, हमारे पास में कितनी है 55.5। H+ की वैल्यू मैंने आपसे 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी बताई, एक अजीब सा क्वेश्चन मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, वो कितनी 10^-7 कौन, H+ की वैल्यू किसके बराबर है, Aα के, तो α = क्या होगा, H+/A, मीन्स α = कितना होगा, 10^-7/55.5। H+ की वैल्यू कितनी है, 10^-7, ए की वैल्यू इंटू अल्फा की वैल्यू, ए इज व्हाट, 55.5, अल्फा यहां से निकलेगा, α = 10^-7/55.5, मींस अगर हमारे पास में वाटर ब्रेक हो रहा है, वाटर ब्रेक हो रहा है, तो यहां क्या होगा, A × 1 - α, Aα, केमिकल इक्विलिब्रियम में, आपने बुक के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा, सिंस वी नो H+ की वैल्यू कितनी है, H+ की वैल्यू यहां से निकल करके आई है 10^-7, तो 10^-7 = Aα, ए क्या है इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 55.5 है, 55.5 को यहां रखा, Aα को यहां रखा, तो α = 10^-7/A, दैट इज दिस, अल्फा की वैल्यू इतनी होगी, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब हम इससे आगे की बात करते हैं, वो आगे की बात क्या, जरा उस पर ध्यान देंगे हम यहां से। अब हम कहते हैं बात, वो है पीएच स्केल, आखिरकार पीएच स्केल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चन हमारे इसके रिलेटेड रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीएच स्केल, पीएच स्केल मतलब पीएच को हम नापने के लिए कुछ स्केलिंग की यूज कर रहे हैं। मेरे पास में यहां पर, यहां से 0 से लेकर के PKW तक, अब ये PKW कैसे आता है, pH कैसे पैदा हुआ, pH तो मैंने बताया था माइनस लोग, तो मेरे पास में यहां लिखा था KW = H+ OH-,
ठीक है, माइनस लॉग इसका अगर आप ले लेते हैं, दुनिया में किसी का भी माइनस लॉग 10 पे ले लीजिए, मतलब माइनस लॉग 10 एक्स लेंगे तो ये कहलाएगा पी एक्स, माइनस लॉग 10 वाई लेंगे तो ये कहलाएगा पी वाई, तो माइनस लॉग इसका लेंगे तो यहाँ होगा माइनस लॉग 10 एच प्लस, ये अंदर आगे की ओर जाएगा माइनस लॉग 10 ओ एच माइनस, ये वाली वैल्यू मेरी कितनी है पी के डब्ल्यू, ये वाली वैल्यू मेरी कितनी है पी एच, ये वाली वैल्यू कितनी है मेरी पी ओ एच। सिंस इसकी वैल्यू 10 टू पावर माइनस 14 है, ये और ये कैंसिल हुआ तो ये कितना आएगा 14, तो 14 इज इक्वल टू क्या होने जा रहा है पी एच प्लस पी ओ एच, ये होने जा रहा है, मतलब पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, दिस इज इंपॉर्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस। इन जनरल क्या होगा पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू होगा, तो ये हमारे पास में क्या हुआ सिक्वेंस बना, तो ये हमारे पास में कहां से कहां तक जा रहा है, पीएच की वैल्यू जीरो होगी तो पी के डब्ल्यू 14 होगा पीओएच के, तो जीरो टू 14 हमारे पास में वेरी कर रहा है, या फिर हम आपसे ये कह सकते हैं कि पीएच आपका कहां से कहां तक वेरी करता है, जीरो से लेकर के पी के डब्ल्यू तक। इसका जो हमारे पास में मिड पॉइंट है वो ये होगा पी के डब्ल्यू बाय 2, ये हमारा जनरल बात हो गई। यहां से लेकर के यहां तक इसको हम बोला करते हैं कि ये अपने आप में कैसा है एसिडिक है, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बेसिक है, ये इस जगह पर बहुत स्ट्रांग एसिड है और ये यहां पर बहुत स्ट्रांग बेस है, ये बहुत स्ट्रांग एसिड है, ये बहुत स्ट्रांग बेस है, मतलब जब पीएच की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और पीएच की वैल्यू सबसे कम होगी तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, इतनी बात को आप ध्यान में रखे रहेंगे। अब इसके बाद हम जब इससे आगे की ओर बात करते हैं, बात यहां तक समझ में आ रही है आपको, बुक के अंदर देख रहे हैं, चलिए देखते रहिएगा, ठीक है, मैचिंग करते हुए चलेंगे हम इसमें। जब हम इसकी बात करते हैं और हम बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास में 0 टू 14 है, ये मिड पॉइंट 7, ये हमारे पास में 7 है। फिर उसके बाद में हम जैसे ही 35 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो स्केल छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर के डब्ल्यू की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 है, तो यहाँ पर के डब्ल्यू की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 12 इस तरह से होगी, मतलब बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज ऐसे करके होती है कब, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे। और टेम्परेचर मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस है तो ये स्केल बढ़ जाएगा। अब क्यों बढ़ जाएगा स्केल, वो मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए 16 भी हो सकता है, 8 इसका मिड पॉइंट है, ये 12 है इसका 6 है, कैसे, जरा सब जब डिसोसिएशन पड़ेगा तो के डब्ल्यू भी बढ़ेगा, ये इंक्रीज हो गया है, ये मेरे पास में 10 टू पावर 14 है, जैसे डिसोसिएशन बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये बढ़ गई है, तो पी के ये वाला हुआ करता है, तो पी के कितना हुआ 0 से 12, मिड पॉइंट 6 है, ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा, कैसे, के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 16, यहां पर 0 से लेकर के पी के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू हमारा कितना है 16 है, तो यहां का मिड पॉइंट कितना 8 है, यहां का मिड पॉइंट कितना 6 है, यहां का मिड पॉइंट 7 है, तो 7 अगर हमसे कहता है कि पीएच है और वो न्यूट्रल होगा तो ये बात गलत है, अगर वो हमसे कहता है पीएच इज 7 देन इट विल बी न्यूट्रल, ये बात गलत है। सही बात ये है कि पीएच इज इक्वल टू 7 पे न्यूट्रल होगा अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इफ टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि अगर मैं देखूं पीएच इज इक्वल टू 7 तो यहां आ रही है, इस केस में पीएच इज इक्वल टू 7, पीएच इज इक्वल टू 7, तो पीएच इज इक्वल टू 7 में यहां पर कितना बैठ रहा, एसिडिक, इज दिस क्लियर, पीएच इज इक्वल टू 7 क्या बैठ रहा, बेसिक, तो 7 यहां पर न्यूट्रल है, वहां बेसिक है, एसिडिक है, तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने बुक के अंदर मैंने जो दिखाया हुआ पेज पे लिखा हुआ आपके पास में, ठीक है, इस पेज पे आप देख लीजिए, मैंने वहां पर भी इस चीज को लिखा कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, न्यूट्रल पॉइंट है 7 अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर अगर वेरी करता है तो न्यूट्रल पॉइंट भी चेंज हो जाया करता है, ऑलवेज रिमेंबर इट, याद रखना आपको, ठीक है, तो ये हमारी स्केल हो गई इसकी। अब सबसे बड़ी बात आती है, किसी भी फिजिकल के टॉपिक में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करता है उसमें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, आखिरकार क्वेश्चंस कैसे आते हैं, टाइप्स ऑफ
प्रॉब्लम, आखिरकार प्रॉब्लम्स कैसी कैसी आने जा रही हैं। तो सबसे पहले वाली बात है फर्स्ट डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं। मतलब ये एच प्लस कंसंट्रेशन हमारे पास में गिवन रहेगी और हम कैसे निकाल देंगे, हम निकाल देंगे pH इज इक्वल टू माइनस log 10 एच प्लस, हम ऐसे करके निकाल देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मेरे से कहेगा 0.01 HCl दिया है, pH बताइए। तो आप क्या करेंगे, HCl को ब्रेक करेंगे, क्या देगा आपको H प्लस और Cl माइनस, कैसा देगा 100% पूरा टूट जाएगा। तो इसका मतलब कितना है, 10^-2 अगर ये है तो शुरू में 0, 0, अंत में ये 0 होगा और 10^-2 और 10^-2 ये दोनों होंगे। तो इसका मतलब H प्लस की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 10^-2 है, और pH की वैल्यू हमारे पास में क्या, माइनस लॉग 10, 10^-2 ये 10 कैंसिल, 2 हो गया, 2 हो गया हमारे पास में। अब इसी डायरेक्ट के अंदर चलते चलते जब हमसे कोई कहता है 10^-7 एम एच सी एल है, या मान लीजिए हमारे पास में इस तरह से कहा 10^-, मान लो इस तरह से 5×10^-5 एम एच टू एस ओ फोर है, तो अगर ऐसा है तब पीएच कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, एच टू एस ओ फोर का काम क्या है, टूट जाना, कितने देना 2H+। ये ए था, ये 0, 0 था, ये 0 हो गया, ये 2A हो गया, मतलब यहां की H+ की कंसंट्रेशन कितनी है 2 times A, A किसके बराबर है इस कंसंट्रेशन के, तो कितना होगा 2×5×10^-5 दैट इज 10×10^-5 दैट इज 10^-4 ये H+ की कंसंट्रेशन है। H+ की कंसंट्रेशन किसकी है, H2SO4 से जो H+ मिल रहा है, H2SO4 से जो H+ मिला है उसकी कंसंट्रेशन 10^-4 है, 10^-4 है, फिर वही बात है, फिर उसमें रखिए pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10, 10^-4 ये कैंसिल, 4 आ जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, कितने नंबर ऑफ H+ को फर्नाइज कर रहा है, मतलब अगर ये हमारे पास में 1 है, 1 से कितने मिल रहे हैं 2, तो A से कितने मिलेंगे 2A, A क्या है इसकी कंसंट्रेशन, आपने इसको रखा सॉल्व हो गया, आपने इसको रखा सॉल्व हो गया। तो ये तो हमारे वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट हैं और बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपसे एक चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जब मॉडिफाई होते हैं, जब कुछ क्वेश्चन चेंजेस होते हैं तो उनके ऊपर हम बात करते हैं। कैसे बात करते हैं, 10^-7 एम एच सी एल जब होगा तो इसका पीएच कितना होगा, क्या वो 7 होगा या वो 6.98 के करीब होगा, क्या होगा 25°C पे, ये तो हम बहुत अच्छे से बता देंगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे ये तो हमें पता है, ये होगा 7 तो नहीं होगा, न्यूट्रल तो होगा नहीं, 6.98 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आता है, असरसन रीजन अगर बनता है, हम जेई की बात कर रहे हैं, हम नीट की बात करते हैं, जब भी इस तरह की बात करते हैं तो बातें लॉजिकल आती हैं। बोर्ड लेवल पर 6.98 रख लिया, लेकिन हमारे इससे आगे की बात होती है कि आखिरकार 6.98 होगा का रीजन क्या है, नहीं साहब एसिड का जो होता है वो 7 से कम होता है, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, 7 से कम होता है कोई रीजन नहीं हुआ, इसका रीजन क्या कॉमन आयन इफेक्ट है, इसका रीजन क्या H+ की वाटर की कंसंट्रेशन जुड़ जाना है, या फिर कॉमन आयन का इफेक्ट वाटर पर लगना है, या फिर कॉमन आयन का इफेक्ट HCl के ऊपर लगना है, दिस इज द रीजन, इनमें से कोई रीजन है। लॉजिकली बात करिए, कॉन्सेप्ट आपके चेंज नहीं हुए हैं, कॉन्सेप्ट आपके वही हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हुई है वो ये हुई है हमारे पास में कि हम इस केस में जहां पर भी आप बात कर रहे हैं, जहां पर भी हम इस समय पर बात कर रहे हैं, अगर 6.98 है तो उसके लॉजिक्स को जानना जरूरी है। अगर आपको वाकई पढ़ाई में आगे बढ़ना है तो आपको लकीर का फकीर नहीं यार इसका आंसर ये होता है, का आंसर ये क्यों होता है, का थ्योरेटिकल रीजन क्या है और मैथमेटिकल रीजन क्या है, दिस शुड बी नोन, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, किसी भी तरह आपको इस चीज को नहीं भूलना है, 100% आपको पता होना चाहिए, हमेशा पता होना चाहिए। इसी तरह से 10^-4 एम एच टू एस ओ फोर और 10^-4 एन एच टू एस ओ फोर में से किसकी पीएच ज्यादा होगी और क्यों, क्या इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी, मैथमेटिकली कैसे है थ्योरेटिकली कैसे है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए।
दूसरी बात, ये तो इस तरह से हुई, 10^-2m 100 ml HCl में 10^-2m 900 ml NaCl डाल दिया तो pH क्या होगी, क्या चेंज होगी या वही रहेगी या कैसे होगी। और आते हैं बात, 10^-4m HCl दिया, इसका pH हमें बता दिया, ठीक है, इसको हमने या इस 10^-6m है 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया तो pH क्या होगा, यह हमें बताना, ठीक है। बुक के अंदर सारी चीजें दी हुई हैं, बुक में अभी डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं आपको, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, या फिर हमारे पास में वो पूछता है कि 10m HCl का pH कितना होगा, क्या ये -1 होगा, क्या ये 0 होगा, क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा सॉल्यूशन बन नहीं सकता, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आपसे करेगा। 10m HCl का pH कितना होगा, 0 होगा, -1 होगा, किस तरह से इन्हें सॉल्व करते हैं, क्या क्या काम करा करते हैं, सारी चीजें। तो अब हम इसी बात को अपना शुरू कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं इसके अंदर, कि आखिरकार हमारे पास में जो pH की वैल्यूज हैं वो किस किस तरह से चेंज होंगी, कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेंगी, वो सारी चीजें तो मैंने बता दी। अब इसके कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सही है और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि pH की वैल्यू हम थ्योरेटिकली तो निकाल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या 10m HCl से pH निकालना पॉसिबल है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए कुछ और एडॉप्शन करना पड़ता हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास में जितने भी ये pH की वैल्यूज को हम निकालने जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं उन सालों के लिए कोई ना कोई ऐसा नहीं है कि 10m लिख दिया या कुछ भी लिख दिया और हमने सीधे pH निकाल दी? कहीं ऐसा तो नहीं, हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता हो, और प्रैक्टिकल जब हमें परफॉर्म करना है तो उस प्रैक्टिकल का आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि रेंज हमें क्या दी हुई है। तो ऐसी सारी बातों को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, छोटा सा ब्रेक लीजिए 2-3 मिनट का, और उसके बाद मैं इससे आगे की ये सारी बातें आपको बताऊंगा कि हमारे पास में इनके मिला देने से क्या होगा, इसके मिला देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं HCl मिलाता हूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इतने इतने HCl को आपस में मिला देंगे तब pH कितना होगा, या फिर मैं आपसे कहने लगता हूं कि इस जगह पर HBr को मिला देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसी सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब pH इन दोनों के मिला देने से क्या होगा, इसको NaCl में मिलाया तो, इसको HCl में मिलाया तो, इसको NaBr में मिलाया तो, या इसमें HBr में मिलाया तो, उसका pH कितना होगा, इसका pH अगर ये आया है तो उसका कारण क्या होगा, ठीक है, ये और ये इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे, कैसे देखेंगे हम इन चीज़ों को, इसकी pH अगर इतनी 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया तो pH कितनी होगी, अब इस तरह की बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ओसवाल डाइल्यूशन ला, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई होने वाला ओसवाल डाइल्यूशन ला, उससे पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम ओसवाल डाइल्यूशन ला पे काम करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे आपकी इस बुक से, ठीक है। कौन सी बुक है आपकी? आपकी फिजिकल की बुक है, इस वाली फिजिकल की बुक को आप प्रैक्टिस करने लगे, सारी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। करेक्शंस वगैरह काफ़ी इसमें रिमूव कर दिए गए, आगे की ओर बढ़ा दिया गया है इस चीज़ को, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एडिशन है, नेक्स्ट एडिशन में हम कई और चीज़ों को भी कर रहे होंगे, ठीक है। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट उसमें, तब तक आप 5 मिनट के लिए ब्रेक लीजिए, ब्रेक करके आइए और फिर मिलते हैं, अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। आपके पास बुक है, अब बुक पर आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं, चले चलिए साहब।